आपको थोड़ी सी राहत जरूर महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये आंकड़ा पहले आपको 105 रुपए के आसपास नजर आता था, लेकिन अब ये आपको 96 रुपए के आसपास नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, पेट्रोल पर 8 रुपए, डीजल पर 6 रुपए, और इसका पूरा असर जो पेट्रोल है वो 9.5 रुपए के आसपास सस्ता हो गया है और डीजल 7 रुपए के आसपास सस्ता हो गया है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस राहत का फायदा उठाया जाए, भैया 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो हम भी अपनी बाइक में 500 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। पहले के मुकाबले ये पेट्रोल ज्यादा आएगा और इसका कहीं ना कहीं फायदा पूरे भारत के लोगों को होगा। ये फैसला केंद्र सरकार की तरफ से कल लिया गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत पर सिलेंडर 200 रुपए की राहत दी गई है 12 सिलेंडर तक, और आज पेट्रोल पहले के मुकाबले ज्यादा आया है। पहले जो है 4 लीटर समथिंग आता था, आज 5 लीटर समथिंग आया है, और डीजल भी जो है वो भी सस्ता हुआ है 7 रुपए के आसपास, 89 रुपए 47 पैसे 50 पैसे के आसपास प्रति लीटर के हिसाब से आपको डीजल मिल रहा होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज खुशी का मौका है, खुशी इसलिए क्योंकि आम पब्लिक को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, और राहत यहां स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। पहले यह आंकड़ा आपको शतक पार नजर आता था और पेट्रोल थमता हुआ नजर नहीं आता था, अब आपको 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। हमारे साथ एक और भैया है, भैया पेट्रोल 9 रुपए से ज्यादा यानी कि 9.5 रुपए सस्ता हो गया है, अब थोड़ी सी तो बचत होगी ज्यादा? हाँ जी सर, अब बहुत बचत है। अब जैसे हम 5 लीटर से पेट्रोल डलवाते थे ना, तो 550 रुपए के आसपास डलवाना पड़ता था, अब जैसे हम 5 लीटर डलवाते हैं ना, तो 500 रुपए का तो 5 लीटर से ऊपर आ जाता है, तो एक दिन में 50 रुपए के आसपास बचत हो जाएगी। बहुत बचत होती है सर अब तो। बिल्कुल, और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो सिर्फ बाइक गाड़ी के लिए नहीं होते, वो सब्जियों के दामों पर भी उसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। भैया आज पेट्रोल ज्यादा आया होगा? नहीं यार, सही हो गई, सही हो गया, 9.5 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल, सही हो गया, सही हो गया, बचत होगी अब थोड़ी सी, लगता है बचत हो गई है, थोड़ी सी बचत जरूर होगी, भले ही वो 10 रुपए की हो, भले ही वो 20 रुपए की हो। आया आज पेट्रोल ज्यादा आया? बहुत धन्यवाद जी, बहुत सस्ता पेट्रोल पंप हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, तेल सस्ता हो गया, नहीं महंगाई बहुत हो गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, और ये आम पब्लिक की राय है जो हम जानते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा आया पेट्रोल आज, राहत महसूस? बिल्कुल ज्यादा आया, थोड़ा फर्क पड़ा है काफ़ी, मतलब इससे राहत मिलेगी, जो नीचे लेवल का आदमी है उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस डिसीजन को, पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं कल? नहीं, एक तरफ से देखा जाए तो सरकार भी अपनी मर्जी से तो नहीं करता है, जब भी इकनॉमी में कोई फ़र्क पड़ता है तभी वो किसी चीज़ के दाम बढ़ाती है, और जब उसमें उनका कुछ सलूशन हल हो जाता है तो उसके बाद बजट अच्छा बनने से क्या है, फिर दाम कम भी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो हम देख रहे थे सब्जियों के दाम ज्यादा हैं या फिर फल फ्रूट के दाम ज्यादा हैं, वो इसलिए भी ज्यादा थे क्योंकि डीजल जो है वो काफी ज्यादा महंगा था। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम जो डीजल है वो मिलता है, एक्स्ट्रा ग्रीन रहता है, इसलिए यहाँ पर जो दाम है आपको 93 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर डीजल का नजर आ रहा होगा, लेकिन जो सिंपल डीजल है वो आपको 89 रुपए 47 पैसे के आसपास, 89 रुपए 50 पैसे के आसपास मिल जाएगा। पब्लिक खुश है, पब्लिक ये भी जरूर कह रही है कि थोड़ी सी राहत और दे दे सरकार, 75 रुपए के आसपास पेट्रोल हो जाए, 80 रुपए के आसपास पेट्रोल हो जाए, लेकिन सरकार को बहुत कुछ देखना होता है, और लगातार जब भी पेट्रोल डीजल या सीएनजी के दाम बढ़ते थे तो हम आपको पहले खबर दिखाते थे क्योंकि वो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जैसे ही कल पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए और एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, वो रेट आज से लागू हुए, वो खबर भी हमने आपको पहले दिखाई, और आज जब पेट्रोल डीजल की जो स्क्रीन है पेट्रोल पंप पर उस पर रेट कम नजर आ रहे हैं, तो हम भी राहत की सांस ले रहे हैं, आप भी राहत की सांस ले रहे हैं, और आम जनता भी इससे काफी खुश नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
तो आज जब हम बाजार में निकले हैं, हमने देखा काफी लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं। खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो नए रेट है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। पेट्रोल की अगर बात करें, उन पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 9.5 रुपए के आसपास जो है कम हो गई है। ये पेट्रोल के जो रेट है 105 रुपए हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 96.62 रुपए नजर आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करें। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, नया रेट देखने को मिल रहा है, काफी खुश नजर आ रहे हैं? सर ये जब सब चीज़ों में इसका रेट डाउन जाएगा देन वी विल थिंक कि भाई हाँ भाई हमारे को फ़ायदा हुआ है। अभी 5-7 रुपए में आदमी की कुछ ज़्यादा वो चेंजेस नहीं आते। जब इसमें एकदम स्लैश डाउन आता है, जब हम 70s में थे तो हमें कितना अच्छा लगता था, अब 96 और 107 तक हम गए हैं, 10 तक गए हैं, तो उससे बाद जा रहे हैं, तो इट्स गुड कि भाई मे बी कि इलेक्शन के कारण हो सकता है ये लेकिन थोड़ी राहत मिलेगी। और अच्छा लगेगा सब लोगों को भी कि भी हाँ अब लोगों को लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट कुछ कर रही है बिल्कुल थोड़ी राहत जरूर मिलेगी जेब पर, क्योंकि किस तरीके से जो पहले 105 के पार जो है पेट्रोल के रेट थे और डीजल में भी जो है लगभग 7 रुपए के आसपास जो है कटौती जरूर हुई है। ऐसे में लोगों को जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि पहले जो है ज़्यादा जेब पर असर पड़ता था, अब जो है थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है पेट्रोल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है नए रेट जो है लागू हो रहे हैं। एक सर यहाँ पर मौजूद है, सर थोड़ी राहत मिलेगी पेट्रोल के रेट सारे लोगों के आसपास? बहुत राहत मिली है जी, जहाँ 105 रुपये लीटर पेट्रोल था 95-96 रुपये लीटर आ गया है। हम मोदी सरकार से बहुत खुश हैं, सिलेंडर भी सस्ते हो गए हैं 200 रुपये, इसलिए हम बहुत खुश हैं मोदी सरकार। और महंगाई पर भी इसका असर पड़ेगा, थोड़ी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी जी, ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, बहुत रेट सस्ते होंगे, सब्जियां सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, बहुत असर पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो 105 रुपये के आसपास जब पेट्रोल डलवाते थे तो थोड़ा भार जरूर लगता था, क्योंकि 105 रुपये एकदम से एक लीटर के लिए चले जाते थे। अब जो है लगभग 96 रुपये के आसपास जो पेट्रोल के रेट पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उनमें भी जो है 200 रुपये की कटौती की गई है, उन लोगों को भी जो है राहत जरूर मिलेगी। ऐसे में अब जो है, कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जब घोषणा हुई थी तब भी जो है हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी, आज जब नए रेट जो है यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं तब भी जो हम लोगों के रिएक्शन देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि लोग जो है काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जेब पर जो इसका थोड़ा कम असर पड़ेगा। कुछ और यहाँ पर युवा मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जेब पर हल्का बहुत जो असर है कम हुआ? हाँ जी सर, हो गया। यस सर, पेट्रोल तो होना ही चाहिए था थोड़ा कम, तो ये ठीक है, बट सबके लिए बेनिफिट है इसमें तो 96 हो गया। अब गवर्नमेंट का ये अच्छा वो होता प्रयास की उन्होंने सीधा 9 रुपये लेस कर दिया पेट्रोल को, ठीक है, बाकी महंगाई भी कम होगी। हाँ अब थोड़ा बहुत तो असर होता है, देखो आप पेट्रोल और डीजल कम होने से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होते हैं, तो इसीलिए हर चीज़ है वो थोड़े अपने आप उसके रेट कम होने आते हैं। कोयले वगैरह पे भी उन्होंने टैक्स छोड़ दिया, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा पब्लिक को। हम ठीक है, ज़्यादा आएगा पेट्रोल देखते हैं, अभी तो डला रहे हैं सर। तो बिल्कुल लोग जो है काफ़ी खुश नज़र जरूर आ रहे हैं, क्योंकि इसका असर जो उनकी जेब पर पड़ता था, रोज़मर्रा अगर निकलते थे कहीं पर तो 100 रुपये का पेट्रोल जो है ऐसे ही लग जाता था, क्योंकि अगर एक चक्कर आपको लगाना है, आना जाना करना है, तो उसमें जो है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। अब जो है फिलहाल कुछ जो है पेट्रोल ज़्यादा जरूर रहेगा, इसके कारण भी जो है लोगों में काफ़ी खुशी है, लोग जो है यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल पंप के जो यहाँ पर मैनेजर भी हैं उनसे भी एक बारी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि नए पेट्रोल के जो दाम है उनमें जो है कितना फ़र्क आया सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो पेट्रोल है पहले क्या रेट था आज क्या रेट? रेट का तो काफ़ी फ़र्क आया सर, ये है कि चलो थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी, आगे भी कुछ उम्मीद? ऐसे तो कोई ऑपरेशन है फिलहाल, देखते हैं कि किस तरीके से कम जरूर हुआ है। काफ़ी लोग जो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, युवाओं पर जो इसका असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो है किस तरीके से घर वालों से पैसे लेते थे उसका जो है असर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर नजर आता। घर वाले भी रोज़ बोलते थे कि कहाँ जाते हैं रोज़ पैसे, अब जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। जो कमाने वाले हैं उन वो भी जो इतना कमाते नहीं थे जितना जो है पेट्रोल में या बाकी खर्चों में चला जाता, उनमें भी जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जो है और क्या कुछ इसमें जो है कटौती अगर होती है तो भी जो है लोग काफ़ी खुश नजर आएंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।